नमस्कार, स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स में। आपके साथ मैं हूं आरती पांडे। एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की पांच बड़ी खबरों पर। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दिया है। इस ऐलान के साथ ही अब ये साफ हो चुका है कि यूपी में कांग्रेस का सपा और बीएसपी के साथ किसी तरह का गठबंधन नहीं होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी के दौरे पर हैं। आज वो गाजियाबाद को मेट्रो का और एयरपोर्ट का तोहफा देंगे। इसके साथ ही वो कई अहम योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। अयोध्या विवाद को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ अहम फैसला सुना सकती है। आज संविधान पीठ ये तय कर सकती है कि क्या इस समस्या का समाधान निकालने के लिए मध्यस्थ नियुक्त किया जाए या फिर नहीं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच वनडे मैचेस की सीरीज का तीसरा मैच रांची में खेला जाएगा। रांची के घरेलू मैदान पर एमएस धोनी का ये आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच भी हो सकता है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच आज बीजेपी संसदीय बोर्ड की अहम बैठक होने जा रही है। आज की बैठक में ये तय हो सकता है कि आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे सीनियर लीडर्स को लोकसभा चुनाव में टिकट दिया जाए या फिर नहीं। नवोदय टाइम्स की बाकी खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार।